हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया था और आज मैं आपको इसके आगे करवाऊंगा। और आज का मेरा लास्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट है और इसके बाद में बिहार दरोगा का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊँगा। तो आज मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 59 और 60, आज का लास्ट ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, चाय के लाल कीट का क्या कारण है, यानी हरी शैवाल होता है वह परजीवी जो अफ्रीकन निद्रा रोगों से गैम्बियंस ज्वर उत्पन्न करता है, इसको बोलते हैं क्या, वो कौन है, यानी कि ट्रेपेनोसोमा। कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ है, तो इंग्लैंड। देखिए, कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी कहाँ है, तो इंग्लैंड है, ठीक है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, चाइना मैन। पेंगुइन भारत के प्रकाशित आत्मकथा द पार्ट टू पावर किसकी है, तो मार्गरेट थेचर का, यानी पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, तो श्री गंगा भट्ट। और ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, और ये अपनी राजधानी रायगढ़ बनाए थे। और शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी संभाजी आए थे, उसके बाद राजा राम आए थे। हड़प्पा सभ्यता के बीच स्थल को गोमूत्रिका लिपि के साक्ष कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगन से, जो राजस्थान में है। कपाटपुरम या अलैव्य में संपन्न द्वितीय संगम एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है, तो तोलकाप्पियम। पल्लवी वंशीय नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य नरेश को युद्ध में परास्त करके उनकी पीठ पर विजय अक्षर अंकित किया था, पुलकेशन द्वितीय। साइमन कमीशन वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया, तो क्लेमेंट एटली। फेयरवेल केप किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो न्यूजीलैंड। विश्व का सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उत्पादन करने वाला देश, तो ऑस्ट्रेलिया है। और भारत प्रकाश द्वारा अपनाए गए पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण। एक सेकंड में किया गया एक कंपन को एक हर्ट्ज बोला जाता है। जीवाणुओं की गुणसूत्र की संख्या एक होती है। पेंसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले 1947 में हुआ था। फर्न मॉस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें संवहन उत्तक होते हैं। विक्रम देव चरित्रम का लेखक विलियम किस शासक का दरबारी कवि थे, तो कल्याणी के चालुक्य वंश के बतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ का। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कन्नौज के राजा हर्ष के दरबार में कितने वर्षों तक रहकर स्वदेश आए थे, तो करीबन 8 वर्ष तक, 635 से 43। चालुक्य वंश के किस शासक का उल्लेख अभिलेखों में तेतराज पल्लवती के रूप में किया गया, तो विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र। सत्याग्रह समिति की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी, इसके संस्थापक सुचेता की पिरानी थे। कलहन की राज तरंगड़ी के प्रथम 3 रंगों से किस विषय की जानकारी मिलती है, कश्मीर के प्राचीन इतिहास की, यानी कि 3 रंगों नहीं था यहाँ, 8 रंग था पूरा। श्री मद भगवत गीता किस धर्म के प्रधान थे, भगवत गीता का। किसे भारतीय पत्रकार का राजकुमार कहा था, तो हिंदू पेट्रियटिक के संपादक क्रिस्टोदास पालू। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने अधिवेशन में सर्वप्रथम मुफ्त एवं आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग की, लाहौर 1909 में। विवाह सर्विंदा श्रम कल्याण बीमा आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय की सूची समर्थित सूची में है। इस समर्थित सूची केंद्र और राज्य का दोनों का इसमें शासन होता है। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे बीजी खेर। किस साधारण निर्वाचन में भारत में पहली बार मत और अमिटी स्याही का इस्तेमाल किया गया, तीसरा साधारण निर्वाचन 1962। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है, तो जावा। भारत में आय की संपत्ति का असमान वितरण को क्या करने के लिए सर्वोत्तम पद्धति है, तो प्रगतिशील करारूप पोषण। G8 में सम्मिलित किया गया 8 भारत, तो रूस थे G8 में सम्मिलित हुआ था। विद्युत धारा को किस प्रकार की राशि के अंतर्गत किया जाता है, आधारभूत राशि। किस विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, एम्पियर होता है। किसी ठोस विद्युत अवघट में जल मिलाने से क्या होता है, आकर्षण बल घटता है। एक निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाकर बनाए गए को यौगिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः किससे प्राप्त होता है, जीवाणुओं से।
और जीवाणुओं की खोज 1683 में किया गया था, लिवन हॉक ने किया था। देखिए विषाणुओं की खोज तो ये 1892 में हुआ था, विषाणुओं की खोज अना वेस्की ने, और जीवाणु की खोज 1683 में। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विच तुथ नाम पुस्तक, ये महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी यंग इंडिया भी लिखे थे ना, हरजन समाज के भी ये थी कि इसके लिए भी किए थे। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और कहाँ, तो 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ, गुजरात के पोरबंदर में। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोकश पर पहुँचने के लिए। 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस देश की तकनीकी सहयोग से संभव हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका का GDP दर है तो 21 पॉइंट कुछ, और GDP में भारत तो 5वां नंबर पर आता है। उष्णकटिबंध के क्षेत्र में सूर्य की किरणों का आपतन कोण कितने के बीच होता है, 43.90। वर्ष 1972-73 में रोजगार गारंटी कार्यक्रम भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम हुआ था, तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो सड़क है वो पक्की सड़क है। वह गति जो एक निश्चित अंतराल पर अपनी प्रवृत्ति करता है, वृद्धि गति कहते हैं। फारेनहाइट स्केल पर न्यूनतम अधिकतम कितना होता है, न्यूनतम होता है 32 डिग्री और 212 डिग्री फारेनहाइट में, और केल्विन में जानते हैं आप लोग कि 273 और 373। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितना गुना है, 1/81 गुना। देखिए इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में 1/1840 गुना है। सॉफ्ट ड्रिंक, जैम, जेली, ब्लू प्रिंट पेपर इत्यादि के निर्माण में किस अम्ल का इस्तेमाल होता है, साइट्रिक अम्ल। वायरस किसके बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लियर के। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है, जाति। साइनोबैक्टीरिया का लाचनी रंग क्या होता है, तो फाइकोसाइनिन। मात्र शक्ति के संदर्भ में किसने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं, नारी है ना, लिखिए नारी तुम केवल श्रद्धा हो। संस्था CRY का पूरा नाम चिल्ड्रेन रिलीफ एंड यू CRY एज आई सा इट नामक पुस्तक किसने लिखा था, रमेश भंडारी ने, एज आई सा इट। गांधी जी के डांडी मात्र के बारे में किसने कहा था, महात्मा गांधी के डांडी मार्च की तुलना में एल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है, सुभाष चंद्र बोस ने। और डांडी मार्च जो नमक सत्याग्रह जो चला था तो आपको बता है 1930 से, और ये चला था 322 किलोमीटर चला था, ठीक है, 79 समर्थक इसमें थे, 322 किलोमीटर गए थे ये सत्याग्रह चला था, तो डांडी यात्रा, और 24 दिन तक चला था। बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे, तो अल वालफोर्ड कंजर्वेटिव पार्टी के थे। किस विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था, तो 1959 में दाहेज निषेध। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा को 80 में। लोकसभा बनने के लिए कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यसभा का 6 वर्ष का, और लोकसभा 25 वर्ष और राज्यसभा 30 वर्ष उम्र। संसद किसी भी वित्तीय समिति को अस्थायी वित्तीयता समिति भी कहते हैं, प्राकरण समिति को, है ना। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, ठीक है, 15-22 होते हैं यानी इसमें। और ये प्राकरण समिति में केवल क्या होता है, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, और कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 30 होते हैं। कितना होते हैं सदस्य, 30 होते हैं। और प्राकलन समिति की सबसे बड़ी संसदीय समिति, ये संसदीय समिति होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है प्राकलन समिति का 1 वर्ष का होता है, ठीक है, कितना होता है 1 वर्ष होता है। एक होता है लोक लेखा समिति, इसमें प्राकलन समिति, ये प्राकलन समिति का ही जुड़वा भवन होता है लोक लेखा समिति। इसमें क्या होता है ना कि कुल सदस्य होते हैं 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है, और इनका भी जो काल होता है एक वर्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद आगे मेरा देखिए क्वेश्चन क्या है, लोग शोभ खोज कृषि पद्धति का आविर्भाव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, पूर्व सोवियत संघ। जल की मात्रा के आधार पर संसार का सबसे बड़ी नदी अमेजन जानते हैं, चौड़ी भी है। और भारत राष्ट्रीय आय आकलन कौन करता है, केंद्रीय संख्या की संगठन राष्ट्रीय। श्रवण की अनुपूति उत्पादन करने वाले ऊर्जा क्या होते हैं, ध्वनि।
एक दूरदर्शन की आवर्त क्षमता किस पर बढ़ाया जा सकता है? उच्च क्षमता के नेटिका का प्रयोग करके। एक दूरदर्शन के विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है? विदृशक के लेंस के ब्याज पर। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। आप जानते हैं कि सेब असत्य फल है, सेब और कटहल असत्य फल है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार विषाणु क्या है? तो विशिष्ट अधीर परजीवी है। सबसे बड़ा विषाणु कौन होता है? तो चेचक हड्डी का। जो विषाणु जीवाणु को संक्रमित करता है वो कहते हैं बैक्टीरियोफेज। किस समिति को प्राकृत समिति का जुड़ा बन कहते हैं? अभी देखिए बताए थे ना, लोकलेखा समिति, जिसमें टोटल होते हैं 22 सदस्य, जिसमें लोकसभा के लिए 15 और राज्यसभा के लिए कितना होता है? 7 होता है। किस देश को 1,000,000 हाथियों की भूमिका दे? लाओस को। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती मिर्च का दृष्टि गोचर होने का कारण है? वायुमंडलीय का अपवर्तनांक ऊंचाई के साथ बढ़ जाना, तब होता है। जब वायु एक द्विदल बुलबुला किस प्रकार का व्यवहार करता है? अब साइलेंस। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में होता है? इन्हें एस्थेटिक। गर्भ में बच्चा का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? पिता के गुणसूत्र पर। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 46 होता है, यानी 23 जोड़ा। मनुष्य में लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागत मुख किस गुणसूत्र पर होता है? तो 100 गुण पर होता है। MLPA जिसको बोलते हैं मनी लॉन्डरिंग प्रिवेंशन एक्ट में किस बात का प्रधान है? तो धन के अवैध लेन देन की सजा का MLPA। ठीक है। यूरो मुद्रा प्रणाली पर निगरानी के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? फ्रैंकफर्ट में। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस नामक संगठन हुआ था लंदन में 1905 में। कर्नल वाइली हत्याकांड में किस अभिव्यक्ति के अधिकारी को फांसी दी गई? मदनलाल ढींगरा को। बिहार विधानसभा में सदस्य संख्या 243 है। बिहार में लोकसभा के लिए 40 और राज्यसभा के लिए 16 होता है। और यूपी में लोकसभा के लिए 80 और राज्यसभा के लिए 31। प्रकाश का रंग किसके द्वारा होता है? तो उसकी आवृत्ति के द्वारा। सितार के तार में किस प्रकार की कंपन होती है? तो अग्रगामी अनुप्रस्थ। एक अवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस प्रकार संचित होती है? प्लेटों के बीच के क्षेत्र। शुद्ध जल में मूलतः होता 55.6 मोल प्रति लीटर। लेंस वर्गर विधि का संबंध किससे एक होता? नाक उन्नयन से। प्रति किग्रा विलायक में मोलों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। ऑटोसोम क्या है? लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र होता है ऑटोसोम। पुरुष की नसबंदी को क्या बोलते हैं? तो जो पुरुष जो नसबंदी करवाते हैं उसको बोलते हैं बेसेक्टोमी बोलते हैं। महिलाओं की नसबंदी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। सिंधु सभ्यता किस स्थान पर युगल स्त्री पुरुष की सावधानों का साक्ष मिलता है? लोथल बंदरगाह थे। बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे 1906 में हुआ था। सर्वप्रथम देश के राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी थी PM। और उसके बाद आया तो 71 में हुआ था, उसके बाद 75 में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थान रचित है? तो अनुच्छेद 320। भारत में काजू उगाने के लिए प्रारंभ किया था पुर्तगालियों ने, जो भारत में 1498 में आए थे। कालीकट के राजा जमोरिन वहाँ से मिले थे और अब्दुल मजीद उसकी सहायता किए थे। रिहंद परियोजना किस राज्य में संबंधित है? उत्तर प्रदेश। थोरियम का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? केरल में। ताप विद्युत पुंज किस लिए प्रयुक्त है? विकिरण ऊर्जा मापने के लिए। प्रसारण दाब का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? वर्केल और हार्टले विधि। किस व्यावसायिक विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं होता? सरल विधि। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? एंजाइलम। और पौधों में हरीम हिंता क्या होता है? भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की कमी। तो आज ये मेरा टोटल जो बताए थे हम 60 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए, वो आज हो गया है। और आज अब मैं आपको इसके आगे इसका बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसके पहले मैं लूसेंट से कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। तो कल मैं महाजन पद का उदय और महाजन पद के बारे में बताया था और शैव धर्म के बारे में बताया था, और आज मैं आपको वैष्णव धर्म के बारे में बताऊंगा। तो वैष्णव धर्म के विषय में जानते हैं कि इनकी जानकारी मिलती है वैष्णव धर्म की उपनिषद से मिलती है। और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, ठीक है। और जो इनका स्थान कहाँ था? मथुरा। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किससे मिलता है? छंदोग उपनिषद से मिलता है।
यानी पुत्र थे, देवकी पुत्र और अरिंगिस के शीर्ष थे ये। और विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख भी मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। और गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं, तो 6 तिलियाँ होती हैं। अब देखिए, वैष्णव संप्रदाय का मत था विशिष्ट, यानी आचार्य रामानुज थे, बैरम समाज के आनंदी तीर्थ थे, रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य थे और सुनक संप्रदाय के निव थे। और इनके संस्थापक देखिए, प्रमुख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो बड़करी के संस्थापक थे नावदेव, श्री वैष्णव के थे रामानुज, परामनार्थ का था रामदास और रामभक्त का था रामानंद। अमरकोट का मंदिर जो कंबोडिया में है, ठीक है, सूर्यवर्मा में द्वितीय ने बनवाए थे, और ये 1113 से लेकर 1150 तक में बनाए थे, इनका शासन था, इसी के शासनकाल में बनाए थे। और यह मंदिर लगभग 10.5 फीट ऊंची भवन है, यानी विष्णु मूर्ति स्थापित यहाँ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस्लाम धर्म के बारे में दूंगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, इनका जन्म हुआ था 570 में मक्का में कुरैशी कबीले में। और ये इनका पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना थी। और हजरत मोहम्मद साहब ने 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 622 में पैगंबर के मक्का से मदीना जब यात्रा कर रहे थे उसमें संबत हिजरी संबत चलाए थे, ठीक है, इन्हें नाम दिया था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है, ठीक है। और मोहम्मद की पुत्री का नाम फतिमा और दामाद अली थे। और इसमें जो है ना, पवित्र में जो धर्म ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ क्या है इस्लाम, इसमें 114 अध्याय है, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हो गया था, और इन्हें जन्म हुआ था मक्का में, दफनाया गया था मदीना में। इनका मतलब फिर ये जब मरे थे तो दो टूट गया था इस्लाम, शिया और सुन्नी में टूट गया था। तो शिया सुन्नी बोलते थे किसको, जो सुन्ना में इस बात करते थे, सुन्ना पैगंबर साहब के कथनों को कार करते थे, ठीक है, और शिया की शिक्षार्थियों में विश्वास करते थे, ठीक है। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी मानते थे। और अली फिर उनकी जो दामाद थी उनकी हत्या 661 ईसा पूर्व में कर दी गई। उसका पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे, ठीक है, क्या कहलाते थे, खलीफा। मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर जानते हैं ईद मनाते हैं, इसका पूरा नाम ईद ए मिलाद उन नबी है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था, ठीक है, और 712 ईस्वी में जो सिंध को जब जीता था तब। और इसके बाद फिर भारत इसी नाम पर इस्लाम धर्म बना। नमाज के दौरान जो मुसलमान लोग होते हैं जो मक्के की तरफ मुंह करके क्या होते हैं, खड़े होते हैं, और भारत से मक्का पश्चिम की ओर बढ़ता है, और मक्का की ओर की दिशा को क्या बोला जाता है, तो किबला कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।